हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल. दिस इज इकरा मेमन और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेडरिक्स का जो रिलेटेड अप्रोच है, इकोलॉजिकल अप्रोच है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो आई होप आपने इसके पहले वाला वीडियो ज़रूर देखा है बिकॉज ये उसी के कंटिन्यूएशन में एक सीरीज़ है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आपको इसको अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आपको ऊपर जो है आई का बटन दिख रहा होगा वहाँ जाकर ज़रूर इस वीडियो को देखिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना ताकि आपको जो है समझ में आ जाए. और ये जो पूरी सीरीज़ है जिसमें आप सारी प्लेलिस्ट मैंने सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, अगर आप इस प्लेलिस्ट में मेरे साथ बने हुए हैं तो आई होप आपने जो है सारे वीडियोस इसके पहले जो है चेकआउट कर लिए होंगे. अब शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम हम नहीं वेस्ट करेंगे, आपके एग्जामिनेशन करीब है मैं जानती हूँ. बात करते हैं इकोलॉजिकल अप्रोच के बारे में. तो इकोलॉजिकल अप्रोच मैंने आपको जैसे कि बताया कि बायोलॉजी से डिराइव्ड है, ये बात करती है कि किसी भी जगह का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सारे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है, जैसे कि वहाँ पर इन्वायरमेंट कैसा है. इन्वायरमेंट मतलब ये नहीं कि वहाँ पर धूप कितनी पड़ रही है, बारिश कितनी हो रही है, वो वाला इन्वायरमेंट नहीं बोल रही हूँ मैं. सोशल इन्वायरमेंट की बात हो रही है, कल्चरल इन्वायरमेंट की बात हो रही है, और साथ साथ ये भी बात हो रही है कि वहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, वहाँ क्या करप्शन चलता है, क्या वहाँ पर जो है हायरकी है, क्या वहाँ पर सोशल इनइक्वालिटीज एक्जिस्ट करती है, किस तरीके का सिस्टम है, गवर्नमेंट किस तरीके की है, क्या गवर्नमेंट को लोग कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे इलेक्ट करते हैं. ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंटरेक्ट करेगा, वो डिपेंड करेगा. क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में कोई इंडिविजुअल चीज़ नहीं है. देखिए होता है ना कि एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में जो है बहुत जुड़ा हुआ होता है. अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होगी कि आपको पॉलिटिकल सिस्टम के साथ, लोगों के साथ इंटरेक्ट होकर काम करना होगा. तो उसी इन्वायरमेंट से जो है आप भी इफेक्ट होते हो, और यही चीज़ जो है बताने की कोशिश करते हैं इकोलॉजिकल अप्रोच में फ्रेडरिक्स. तो आई होप ये आपको समझ में अभी तक आ चुका होगा कि एक इन्वायरमेंट जो है, जो सोशल पॉलिटिकल कल्चरल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करने वाला है किसको, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, या फिर एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो वहाँ पर काम कर रहा है उसको वो इम्पैक्ट करने वाला है. अब बात करते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये जो इकोलॉजिकल अप्रोच है इनको इंट्रोड्यूस करने का काम फ्रेडरिक ने नहीं किया था, ठीक है. ये अप्रोच बहुत पहले से थी. ये अप्रोच जो है जेएम गॉस, इनके नाम या ज़रूर याद करना, एग्जामिनेशन में इनके नाम लिख कर आना है, रॉबर्ट ए डाल, रॉबर्ट ए मॉर्टन, ठीक है. तो ये तीनों जो है जेएम गॉस, रॉबर्ट ए डाल एंड रॉबर्ट मॉर्टन, ये तीनों ऑलरेडी इसको इंट्रोड्यूस कर चुके थे, बट फ्रेडरिक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट था, इसलिए कहीं ना कहीं हम फ्रेडरिक के इकोलॉजिकल अप्रोच को पढ़ते हैं. इन्होंने सीधी सीधी तीन बुक्स इसके ऊपर लिखी है, वो तीनों बुक्स के नाम हम समझेंगे, साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि किस तरीके से जो है इनकी अप्रोच जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इन दी टूडेज वर्ल्ड, ये भी हम समझेंगे. अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि आज के टाइम में इनकी अप्रोच किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप जो है लिख सकते हैं. तो इनका जो वर्क था फ्रेडरिक का, एक ब्रेक थ्रू वर्क था आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार ये कोशिश की कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सोशल, पॉलिटिकल, कल्चर, टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन के साथ मिलाए. और ये एक बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट अप्रोच थी, क्योंकि उन्होंने जो है डिफरेंट, ये ऐसी नहीं कि उनका मन करा और आज उन्होंने बैठकर जो है डिज़ाइन कर दिया. उन्होंने डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को स्टडी किया, प्रॉपर स्टडी उन्होंने कंडक्ट की, और उन्होंने जो है साइंटिफिक बेसिस और एनालिसिस पे जो है थ्योरी को फॉर्म किया. उन्होंने थाईलैंड में स्टडी की, फिलीपींस में स्टडी की, और इंडिया में भी स्टडी की. उन्होंने बताया कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वहाँ के सोशल इन्वायरमेंट से जो है इम्पैक्टेड होता है, मतलब एक जगह का जो सोशल इन्वायरमेंट रहेगा उससे कहीं ना कहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है इम्पैक्ट होने वाला है, ये चीज़ वो बताते हैं, ठीक है. अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने जो है डिफरेंट मॉडल्स ऑफ सोसाइटी को बनाया और किस तरीके से उसे बताया. मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ कि उन्होंने तीन तरीके के मॉडल दिए थे, जैसे कि एक उन्होंने बताया था कि डेवलप्ड सोसाइटीज़ होती है, ठीक है, ध्यान से समझना है, ईजी सा कॉन्सेप्ट है. एक होती है अंडर डेवलपिंग सोसाइटी, ठीक है. अब आपको अंडर डेवलप सोसाइटीज़, ठीक है, तो ये आपको दो वर्ड्स तो हमेशा पता ही होते हैं, और आपके दिमाग में अगर डेवलप्ड सोसाइटी का कोई एग्जांपल आपसे पूछा जाए तो आप आराम से दे सकते हैं कि भाई कोई यूएस हो गया, ठीक है, रशिया हो गया, ये सब आप डेवलप्ड सोसाइटीज़ का एग्जाम्पल दे देंगे. अगर आपसे कोई अंडर डेवलप्ड सोसाइटीज़ का एग्जाम्पल मांगेगा तो आप आराम से दे देंगे, जैसे कि आप दे सकते हैं साउथ अफ्रीका हो गया, राइट. बट अब ये बात करते हैं बीच के, इन दोनों के बीच में एक ट्रांजिशन फेज होता है जिसे हम कहते हैं डेवलपिंग ट्रांजिशन फेज. इसे क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि जो सोसाइटी एक टाइम पे अंडर डेवलप थी वो सोसाइटी बाद में जाकर एक टाइम पे डेवलप भी हो जाती है, ठीक है. ये तो खैर एक डिबेटेड फिनोमिना है,
वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड के बीच में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोसाइटी एग्जिस्ट करती है जिसका नाम होता है डेवलपिंग सोसाइटी। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, आई होपफुली अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो आप जो है क्या कहते हैं इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल इंडिया ले सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान कुड बी ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी कंट्रीज़ जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ के क्राइटेरिया में फॉल करती है। अगर आप ध्यान से ये सारी कंट्रीज़ को देखेंगे, इसमें मोस्टली जो कंट्रीज़ आपको दिखेगी वो रहेगी साउथ एशियन कंट्रीज, ठीक है। तो मैं डिफरेंट टर्म्स यूज़ करते रहूँगी, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में बता दे रही हूँ। चाहे मैं साउथ एशियन कंट्रीज़ का यूज़ करूँ, चाहे मैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का यूज़ करूँ, ठीक है, या फिर चाहे मैं डेवलपिंग कंट्रीज़ का यूज़ करूँ, या फिर मैं सेमी पेरीफेरी कंट्रीज़ का यूज़ करूँ, ये सारी कंट्रीज़ जो है ये एक ही है। या फिर मैं डीकोलोनाइज कंट्रीज़ की बात करूँ, तो ये सारी कंट्रीज़ जो 1950s पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वार, जो जितनी भी कंट्रीज़ जो है फ्रीडम जिनको मिलते जा रहा था, ये सारी कंट्रीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ के क्राइटेरिया में फॉल करती हैं। अब हम बात करते हैं अंडर डेवलप कंट्रीज़ और डेवलप कंट्रीज़ के बारे में। तो अंडर डेवलप कंट्रीज़ जो होती है, इसके बारे में मैं आपको, अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊँ तो इसको मैं क्या कहूँगी, इसको मैं क्या रेफ़र करूँगी अंडर डेवलप कंट्रीज़ को, इन अंडर डेवलप कंट्रीज़ को मैं पेरीफेरी के रूप में रेफ़र करूँगी, ठीक है। इन कंट्रीज़ को मैं रेफ़र करूँगी एज दोज कंट्रीज़ जिसको जो है अंडर द मॉडल ऑफ ब्रिक्स उन्होंने क्या बताया है, इन्हें बताया है फ्यूज्ड कंट्रीज, ठीक है, या फिर फ्यूज सोसाइटी। ये वर्ड आपको याद रखना है, फ्यूज सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ अंडर डेवलप कंट्री। तो अंडर डेवलप कंट्री के लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, फ्यूज्ड वर्ड यूज़ करूँगी, पेरीफेरी यूज़ करूँगी। पेरीफेरी इनका कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन अगर आपने मेरे से CPA कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस पढ़ा है तो आपको वहाँ पर पता है, मैंने आपको पढ़ाया है समीर अमीन और एगिरी मेलवर का मॉडल पढ़ाया है, वहाँ पर मैंने आपको कोर पेरीफेरी और सेमी पेरीफेरी कंट्रीज़ के बारे में पढ़ाया है। अगर आपने मुझे मेट्रोपोलिस सेटेलाइट मॉडल पढ़ा है ऑफ AG फ्रैंक, तो वहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया है ये चीज़। तो कहने का मतलब ये है कि फ्यूज कंट्रीज़ कहो, चाहे आप उसे पेरीफेरी कंट्रीज़ कहो, चाहे आप उसे जो है अंडर डेवलप कंट्रीज़ कहो, ये आप कोई भी वर्ड उनके लिए यूज़ कर सकते हो। तो आई होप यहाँ तक कि आपको जो है चीज़ें बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होगी। अब इसमें उन्होंने एक अप्रोच का यूज़ किया और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है। ये अप्रोच के फाउंडर वो खुद नहीं रहे हैं, ठीक है, ये अप्रोच ऑलरेडी सोशोलॉजी में डोमिनेट करती है। इस अप्रोच का नाम होता है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। मतलब कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को पढ़ रहे थे ना, ये कि इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा है, पाकिस्तान का कैसा है, वैसे पाकिस्तान नहीं स्टडी की उन्होंने, इंडिया पे स्टडी की, थाईलैंड पे स्टडी की, फिलीपींस पे स्टडी की, USA को उन्होंने कंसिडर किया। तो कहने का मतलब ये है कि जब उन्होंने स्टडी की तो उन्होंने बताया स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को उन्होंने पढ़ाई की। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच क्या होता है? स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच मतलब जब आप कोई भी, मैंने आपको कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस में ये समझाया है, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप ये मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने आए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सारे वीडियोस कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस के, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन के, सेक के, वैक के, AEC, GE, सारे वीडियोस कवर्ड है ऑन माय यूट्यूब चैनल, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो फ्रेडरिक्स हैं, फ्रेडरिक्स ने जो है एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो की वो ये थी कि उन्होंने ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को जो है लाया। और स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच होता क्या है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अभी फिर से बता देती हूँ यहाँ पर। जब आप एक स्ट्रक्चर को रेफर करते हैं और उसके फंक्शन को स्टडी करते हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडिया का पार्लियामेंट लेंगे और इंडिया के पार्लियामेंट को स्टडी करेंगे, फिर आप ब्रिटेन के पार्लियामेंट को स्टडी करेंगे, इसे हम स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच कहते हैं। और हर इसमें ये बताया जाता है कि हर सोसाइटी में जितना भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं उन सब का कुछ ना कुछ फंक्शन होता है, ठीक है। और इसमें स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच में आप डिफरेंट मेथड्स कैरी आउट करते हो और फिर आप जो है उसके बारे में स्टडी करते हो। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच ओरिजिनली अगर हम देखें तो सोशियोलॉजी से लिंक्ड है, ठीक है, किससे लिंक्ड है, सोशियोलॉजी से लिंक्ड है। और इसमें आपको ये जो नाम दिख रहे हैं, टेलकट पार्सन, रॉबर्ट मॉर्टन जी, जैब्रियल आलमेंट, जैब्रियल आलमेंट तो खैर पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, लेकिन ये दोनों जो है सोशल एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड है। खैर मैं आपको उतना डिटेल में नहीं लेकर जा रही हूँ, बट कहने का मतलब ये है कि टेलकट पार्सन और रॉबर्ट मैटन, ये दोनों के दोनों जो है आपको देखने को मिलता है सोशल एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड है। ये लोग स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच का अपने स्टडीज में यूज करते हैं और यही अप्रोच फ्रेडरिक्स ने जो है अपनी अपनी जो अप्रोच है इकोलॉजिकल अप्रोच, उसमें उन्होंने ये चीज़ जो है यूज़ की। अब बात करते हैं कि जब हम सोसाइटी के फंक्शंस पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। अब हम बात करते हैं कि रिक्स ने ये भी कहा कि जितने भी फंक्शंस होते हैं उन वो सबको उन्होंने क्लासीफाई किया डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। किस तरीके से क्लासीफाई किया उन्होंने, डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई किया। एक उन्होंने क्लासीफाई किया सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर,
कम्युनिकेशन, सिंबल, पॉलिट एंड पॉलिटिकल, ये सारे तरीके से उन्होंने जो है इसको क्लासिफाई किया। मतलब कोई भी फंक्शन कैसा होगा, या तो सोशल होगा, जैसे कि सोसाइटी में एनजीओ कोई खोलकर बैठा हुआ है तो वो किस तरीके का फंक्शन कर रहा है, सोशल कर रहा है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स है, वो किस तरीके के फंक्शन करेगी, पॉलिटिकल फंक्शन करेगी। कुछ लोग जो है क्या कहते हैं इकोनॉमिक फंक्शन करेंगे, जो बिजनेसमैन रहेंगे, कुछ लोग कम्युनिकेशन वाला फंक्शन करेंगे, कुछ सिम्बॉलिक फंक्शन करने वाले हैं। तो ये अलग अलग तरीके के फंक्शन को उन्होंने क्लासीफाई कर दिया। अब बात करते हैं कि एग्रेरिया, इंडस्ट्रिया एंड प्रिस्मेटिक सोसाइटी। तो रिक्स ने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की दो तरीके की सोसाइटीज उन्होंने जो बनाई, ठीक है, दो तरीके की सोसाइटीज बनाई, और बाद में जाकर उन्होंने प्रिस्मेटिक मॉडल ऐड किया, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना, मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। पहले उन्होंने बोला कि दो ही तरीके की सोसाइटी होती है। पहले उन्होंने कहा कि एग्रेरिया सोसाइटी होती है, एग्रेरिया सोसाइटी जिसको फ्यूज सोसाइटी हम कहते हैं, जिसको मैंने अभी बताया आपको अंडर डेवलप सोसाइटी, और एक होती है इंडस्ट्रियल सोसाइटी जिसे हम डिफ्रैक्टेड सोसाइटी भी कहते हैं। दोनों का एग्जाम्पल बताइए मुझे जल्दी से, एग्रेरिया सोसाइटी साउथ अफ्रीका, इंडस्ट्रियल सोसाइटी यूएसए, ठीक है। पहले उन्होंने दो जो है मॉडल डेवलप किए 1950s में, लेकिन बाद में जाकर उनको लगा कि नहीं, ऐसा नहीं, मुझे ज़रूरत है एक और मॉडल एग्जिस्ट करने की, वो है प्रिस्मेटिक सोसाइटीज़। तो उन्होंने बाद में जाकर डेवलपिंग सोसाइटी के अंदर प्रिस्मेटिक सोसाइटीज़ को भी इसमें ऐड किया। मैं आपको इसके पहले वाले वीडियो में ही पूरे इसके बारे में डिटेल में समझा चुकी हूँ। उसके बाद मैंने आपको एक टेबल भी दिखाया था, अगर आपने वो टेबल देखा है तो मैंने उसमें आपको एग्रेरिया और इंडस्ट्रियल टेबल मैंने आपको दिखाया था, उसके बीच में डिटेल में डिफरेंस मैंने आपको बता दिए थे। एक बार फिर मैं आपको जो है डिफरेंस बता दूंगी, इसमें से नहीं, क्योंकि ये डिफरेंस तो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मैं थोड़ा और डिटेल में जाकर आपको उसके डिफरेंस बता देती हूँ, एक एक चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमी की, ठीक है। इकोनॉमी की हमेशा बात याद रखना, ठीक है। मैं आपको ऐसा कोई लाइन बाय लाइन पढ़ के नहीं बताने वाली, क्योंकि लाइन बाय लाइन तो आप भी पढ़ सकते हैं। मैं चाहती हूँ आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो और आपको जो है हर चीज बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो एग्रेरिया सोसाइटी जो है ऐसी सोसाइटीज को रेफर किया जाता है जिन पर कभी ना कभी कॉलोनियल रूल रह चुका है, ठीक है। तो पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज होती है एग्रेरिया सोसाइटी, ठीक है। इसमें आप साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल रख सकते हैं डेफिनेटली। ये सोसाइटी इसका नाम जैसे कि आप सजेस्ट कर सकते हैं एग्रेरिया, एग्रेरिया इज डिफाइंड फ्रॉम एग्रीकल्चर, ठीक है। ये जो है प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होती है, खेती बाड़ी पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट इसमें एक जो है आपको वर्ड देखने को मिलता है कि एग्रेरिया इसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये एग्रीकल्चर पे डिपेंड होती है, इंडस्ट्रिया इसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये इंडस्ट्रीज पे डिपेंड होती है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। बात करते हैं इनकी इकोनॉमी के बारे में। तो अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इनका इकोनॉमिक सिस्टम कैसा होता है, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इकोनॉमी। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इकोनॉमी कहने का मतलब यहाँ पर जो है बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज एग्जिस्ट करता है। कोई भी तरीके का प्रॉपर कॉइन्स नहीं होते और कोई तरीके की प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं होती, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इकोनॉमी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर जो कल्चर होता है, रिलीजन होता है, यही पॉलिटिक्स में आपको देखने को मिलता है। और इसके एग्जाम्पल में वो चाइना, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस देते हैं। अभी का चाइना की बात नहीं हो रही है, अभी का चाइना बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली मॉडर्नाइज हो चुका है। बात हो रही है चाइना, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस की इन 1950s, जिसमें आप देख सकते हैं कि ट्रेडिशनल इकोनॉमीज थी, ठीक है। और इस इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो आपको एग्जाम में ज़रूर मेंशन करना है वो है बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। ये जो सोसाइटीज है ये बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज करती है, इनकी इकोनॉमी ट्रेडिशनल होती है, सबसिस्टेंस बेस्ड होती है और एग्रीकल्चर पे चलती है। और कल्चरल सिस्टम इसमें अलग नहीं होता, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, वो है इंडिया का एग्जाम्पल। इंडिया आज से 200 साल पहले जब ब्रिटिशर्स जो है हमारी कंट्री में नहीं आए थे, या फिर उनका जो रूल था वो पूरी तरीके से आप देख सकते हैं एस्टैब्लिश नहीं हुआ था, ठीक है। पूरी तरीके से उनका रूल तो 1857 ऑनवर्ड्स क्राउन रूल के साथ एस्टैब्लिश हुआ। उसके पहले का आप टाइम देख लीजिए, वो सोसाइटी आपको जो है फ्यू सोसाइटी दिखेगी। वहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि मॉडर्नाइजेशन नहीं है, ट्रेडिशनल सिस्टम देखने को मिल रहा है, बार्टर सिस्टम देखने को मिल रहा है, एग्रीकल्चर पर इकोनॉमी डिपेंडेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सब फ्यू सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इन सोसाइटीज़ में एक ही सिंगल स्ट्रक्चर बहुत सारे फंक्शंस भी इसमें परफॉर्म करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि देखिए पहले के टाइम पे क्या होता था कि राजा महाराजा, अच्छा इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसमें मोनार्की एग्जिस्ट करती है और हेरिडेटरी रूल एग्जिस्ट करता है। क्या एग्जिस्ट करता है? मोनार्की एग्जिस्ट करती है एंड हायरकी रूल एग्जिस्ट करता है। इट मीन्स दैट कि आपको देखने को मिलता है कि जो सोसाइटी है उसके अंदर एक हायरकी है। जैसे कि इंडिया के केस में आप देखेंगे हायरकी बेस्ड ऑन कास्ट,
ठीक है, जैसे कि जो ब्राह्मण है वो हायर कास्ट है, फिर क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और शूद्रा। तो ये आपको देखने को मिलता है कि कास्ट या फिर क्लास के बेसिस पे हायर की यहाँ पर आपको हमेशा देखने को मिलेगी। सोसाइटी इन एगलिटेरियन है। वॉट डू यू मीन बाय इन एगलिटेरियन सोसाइटी? इन एगलिटेरियन सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी जो अनइक्वल है, वहाँ पर रिलेशनशिप इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। तो दैट इज एन इन एगलिटेरियन सोसाइटी। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो पॉलिटिकल सिस्टम में यहाँ पर मोनार्की एग्जिस्ट करती है। मोनार्की एग्जिस्ट करती है इट मींस दैट कि यहाँ पर जितना भी सिस्टम है वो किंग करेंगे। देयर इज नो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। और अक्सर क्या होता है कि जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं ये बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा हर स्ट्रक्चर जो है बहुत सारे नंबर ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करता है। कैसे? जैसे कि राजा महाराजा लोग, पहले कोई अलग से कोर्ट कचहरी नहीं होती थी। राजा इज द वन हु इज लेजिस्लेचर, ही इज द वन हु इज एग्जीक्यूटिव, ही इज द वन हु इज अ ब्यूरोक्रेसी। कहने का मतलब यह है कि वही जो है कानून के फैसले लेगा, वही जो है एग्जीक्यूटिव के फैसले लेगा, वही पॉलिसीज जो है डिराइव करेगा। तो सिंगल स्ट्रक्चर नंबर ऑफ फंक्शंस इसमें परफॉर्म करते हैं। फंक्शन स्पेसिफाइड नहीं होते कि इसको ये फंक्शन परफॉर्म करना है, इसको वो फंक्शन परफॉर्म करना है। जैसे कि आप देखेंगे कि पहले के टाइम पे जो आप देखेंगे जो फार्मर्स हुआ करते थे, फार्मर्स जो है क्या करते थे, जो रिच फार्मर्स होते थे वो पुअर फार्मर्स की हेल्प करने के लिए उन्हें थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं मनी तो नहीं एग्जिस्ट करता था, लेकिन आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत उन्हें लैंड करते थे कुछ भी चीज़ें, जैसे कि उनको लैंड दे देंगे, ठीक है, और फिर उसके बदले में उनसे जो है मनी लैंडर की तरह उनसे जो है रिवेन्यू एक्सट्रैक्ट करते थे। तो ये सब चीज़ें मतलब एक ही सिंगल स्ट्रक्चर, जैसे बैंक नहीं हुआ करते थे कि आप बैंक में जाकर लोन ले लेंगे। सिंगल स्ट्रक्चर मल्टीपल फंक्शन को परफॉर्म करता है, स्पेसिफिक फंक्शन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के द्वारा परफॉर्म नहीं किया जाता है। और ये सोसाइटीज में इकोनॉमी किस पे बेस्ड होती है? बार्टर सिस्टम पे बेस्ड होती है। मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, यही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस का पॉइंट है। और किंग या रॉयल फैमिली जो है वो इस चीज़ को डोमिनेट करती है। यहाँ पर एस्क्रिप्टिव सोसाइटी, एस्क्रिप्टिव मतलब आप बोलते हैं ना एस्क्रिप्टिव वैल्यूज की वैल्यूज होती है, मतलब यहाँ पर कल्चर की और आप देखेंगे कि मतलब ट्रेडिशंस की, हमारे जो ट्रेडिशंस है उसकी वैल्यूज होती है। और इसका कल्चर को पैरोकियल कल्चर माना गया है। पैरोकियल कल्चर मतलब लोग जो है पार्टिसिपेट नहीं करते पॉलिटिकल सिस्टम में क्योंकि उनको राइट्स ही नहीं है। वो लोगों को सिर्फ इतना पता है, वो लोग जो है क्या कहते हैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेते, वो लोग सिर्फ ये जानते हैं कि हमारा कोई राजा महाराजा है और ट्रेडिशनल सिस्टम की तरह उसको फॉलो करते हैं। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कोई स्पेशलाइज डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो कस्टम चले आ रहे हैं उसी के बेसिस पे लोग अपने जो है काम करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया इंडिया में ये था कि एक जाति है, एक जाति के अंदर जो इंसान पैदा होगा जो इंसान वही काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल बहुत बार दे चुकी हूँ, डिफरेंट एग्जाम्पल्स एग्जिस्ट जिसमें आप देखेंगे कि कोई अगर एक बहुत सारी जाति हुआ करती थी, गिल्ड्स जिसे हम कहते हैं, तो छोटी 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 जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई क्राफ्टमैन है तो क्राफ्टमैन का बेटा क्या बनेगा? क्राफ्टमैन बनेगा। पोएट का बेटा क्या बनेगा? पोएट बनेगा। ठीक है, ये जो छोटी छोटी आर्टिशंस होते हैं, क्राफ्टमैन होते हैं, पॉटर्स होते हैं, ठीक है, तो ये सब कैटेगरीज वहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो ये सब कैटेगरीज डिसाइडेड थी। और सोशल एंड पॉलिटिकल मोबिलिटी मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने की कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं, इसमें बहुत लिमिटेड सोशल एंड पॉलिटिकल मोबिलिटी आपको देखने को मिलती है। और इसमें कोई भी तरीके का, जैसे आज के टाइम पे देखिए हर चीज़ को क्रिटिकली चैलेंज कर दिया जा रहा है, हर चीज़ को, मतलब ये जो नॉर्म रहता है कि मैन एंड वीमेन जो है डिफरेंट है, या मैन एंड वीमेन का जो मैस्कुलाइन और फेमिनिन कैरेक्टर है, या फिर जो है आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें जो है उसको चैलेंज कर दिया जा रहा है, रिलीजन को चैलेंज कर दिया जा रहा है। लेकिन ये सोसाइटीज़ में क्रिटिकल थिंकिंग को लोग अप्रिशिएट नहीं करते। इसका कहने का मतलब ये है कि जो सोसाइटी का ट्रेडिशन चला आ रहा है, अगर आप उसके खिलाफ नए आइडियाज़ लेकर आएंगे तो आपको जो है एंटी सोशल माना जाएगा। अभी आप देखेंगे कि ब्रिटेन और फ्रांस के अंदर जो सोसाइटी थी आज से 300-400 साल पहले वो भी ऐसी ही थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन आने से पहले फ्रांस की सोसाइटी भी ऐसी थी, वहाँ पर लुईस बॉर्बन रूल कर रहे थे, बॉर्बन डायनेस्टी के, वहाँ पर लिबर्टी नहीं थी, इक्वालिटी नहीं थी, फ्रेटर्निटी नहीं थी, ना राइट्स थे मैन एंड वेमेन के, और वहाँ पर जो है पूरी तरीके से चर्च जो है डोमिनेट कर रहा था। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि क्रिटिकल थिंकिंग को एक तरीके से देखा जाता है कि सोसाइटी के लिए ये हानिकारक है। और रॉयल फैमिली जो होती है जो रूल करती है उसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, और कॉमन लोग जो है बिल्कुल मिसरेबल लाइफ जी रहे होते हैं।
अब बात करते हैं इंडस्ट्रिया की। अब इंडस्ट्रिया के फीचर्स आपको बिल्कुल डिफरेंट लगेंगे और आसानी से समझ में आ जाएंगे, इसके बिल्कुल अपोजिट है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को दिमाग में रखना है आपको, यहाँ पर बता दिया गया है। इसमें इकोनॉमी कैसी रहेगी, मॉडर्न रहेगी, इसमें ब्यूरोक्रेटिक फंक्शंस अलग रहेंगे, लेजिस्लेटिव फंक्शंस अलग रहेंगे, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस अलग रहेंगे, और साथ साथ यहाँ का जो प्रोडक्शन सिस्टम है हाईली स्पेशलाइज रहेगा। डिवीजन ऑफ लेबर हाईली स्पेशलाइज रहेगा। हर तरीके का स्ट्रक्चर आप देखेंगे यहाँ पर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन मार्केट, मार्केट पे बेस है। इसका मतलब यह है कि डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, आपने इकोनॉमिक स्टूडेंट हो तो आपने पढ़ा होगा, डिमांड एंड सप्लाई जो है वो रेगुलेट करते हैं मार्केट को, ठीक है। नेचुरली दे आर द थिंग्स जो मार्केट को रेगुलेट करती है, ठीक है। तो ये डिमांड एंड सप्लाई जो है मार्केट को रेगुलेट करने वाली है, ये आपको जो है देखने को मिलता है। तो ये इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मॉडर्न इंडस्ट्रीज इसमें एग्जिस्ट करती है, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग होती है, आइडियाज़ जो है मॉडर्नाइज होते हैं, ट्रेडिशनल सिस्टम को नहीं फॉलो किया जाता। और लोग जो है, लोगों का अगर आप देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशंस, हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर बनते जाती है और रैशनैलिटी पे फोकस किया जाता है। और यहाँ पर फ्री मार्केट इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है, और इस सोसाइटीज़ को इसलिए रिक्स जो है फ्री मार्केटाइज सोसाइटीज़ भी कहते हैं। गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरफेयर करती नहीं है मार्केट के अंदर, और यहाँ पर सोशल मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। आप देखेंगे US के अंदर कुछ जो चर्च के जो पादरीज होते हैं, इट मींस दैट वहाँ के जो फादर्स होते हैं, दे डू चेंज देयर ऑक्यूपेशन फ्रॉम बीइंग अ यू नो, आप देख सकते हैं कि क्लर्जी से वो अपना प्रोफेशन कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं सोशल स्टेटस चेंज कर लेते हैं, और दूसरी जो है क्या कहते हैं, आप देख सकते हैं कि दूसरी कैटेगरी में शिफ्ट हो जाते हैं। समटाइम्स दे डू चेंज इट ड्रास्टिकली, ठीक है, अगर आपने कभी न्यूज़ में सुना होगा तो। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर सोशल पॉलिटिकल मोबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, और साथ साथ जो है लोग जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज जो वो लोग यूज़ कर रहे हैं। आज भी हम इंडिया में उतनी टेक्नोलॉजीज नहीं यूज़ कर पा रहे, बट दे आर वेरी वेल एडवांस देन अस। और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ आपको देखने को मिलती है, इंडिविजुअल लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और इंडिविजुअल के कुछ फंडामेंटल राइट्स भी होते हैं, मतलब इंडिविजुअल्स, अगर आप देखेंगे अंडर डेवलप सोसाइटीज़ में, वहाँ पर इंडिविजुअल्स की कोई राइट ही नहीं है। राजा को जो करना है, राजा की जो मर्जी, राजा ने जो सज़ा दे दिया वो फाइनल, ठीक है। देर इज़ नो राइट, देर इज़ नो प्रोविजन टू चैलेंज दैट स्टेटमेंट, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं होता। डेवलप सोसाइटीज़ में इंडिविजुअल के राइट्स होते हैं, दे डू हैव द राइट्स कि वो क्लेम कर सकते हैं कि हमें क्या करना, आपने जो डिसीजन लिया वो गलत है, दे कैन अप्रोच टू द कोर्ट, ठीक है, दे कैन अप्रोच टू द प्रेसिडेंट, इस तरीके के प्रोविजन जो है बनाए जाते हैं। वो पार्टिसिपेट करते हैं सिटीजन्स इन इलेक्शन प्रोसेस, और मतलब आप देख सकते हैं कि अगर आप इलेक्शन में खड़े होते हैं तो यू हैव द राइट कि आप प्रेसिडेंट तक बन सकते हैं। मतलब पॉइंट इज दैट कि आपको जो है देर इज़ नो यू नो बेरियर कि आपको जो है कोई हाइएस्ट पॉलिटिकल ऑफिस में जो है नहीं बैठने देगा। एस्क्रिप्टिव वैलीज मैटर नहीं करती। देखिए अब अगर आप वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर लोग क्या सोचते हैं, वहाँ पर लोग US में दे डोंट थिंक अबाउट रिलीजन, दे डोंट नॉट थिंक अबाउट फेथ एंड एवरीथिंग, उनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता। उनके लिए क्या है, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट किस तरीके की है, वहाँ पर डेमोक्रेसी किस तरीके की है, हमारे राइट्स किस तरीके के हैं, हमारी लाइफ कितनी अच्छी है इन टर्म्स ऑफ GDP, हमारी इनकम, ये सब उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है बहुत सारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भी एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि आप देखेंगे ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया के केस में बता रही हूँ, फिर इंटरनेशनल लेवल पे आप एमनेस्टी इंटरनेशनल देखिए, बहुत सारी जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन होती है, वुमेन डेवलपमेंट, वुमेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं। तो ये सब जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये लोगों के कॉमन राइट, कॉमन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती है, और ये जो है ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट से हटकर होती है, दे आर NGOs, ये NGOs होती है, और ये गवर्नमेंट को, अगर गवर्नमेंट ने कुछ गलत स्टेप लिया तो उसको चैलेंज कर सकती है। मतलब गवर्नमेंट इन शॉर्ट अगर सिंपल भाषा बताओ तो ये जो है गवर्नमेंट ये वाली कंट्रीज की अकाउंटेबल होती है टू द पीपल, और अंडर डेवलप सोसाइटीज की गवर्नमेंट अकाउंटेबल नहीं होती। गवर्नमेंट को जो है सिटीजन्स प्रेशराइज कर सकते हैं कि वो इंटरेस्ट में काम करे कॉमन पीपल के, और सिटीजन्स में जो है, सिटीजन्स में बेसिकली एक तरीके का कॉमन कंसेंसस होता है। कॉमन कंसेंसस ये होता है कि कहने का मतलब ये है कि जब वहां पर हम देखते हैं लोग जो है क्या कहते हैं कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में जो है इन्वॉल्व में होते हैं, इनका कहने का मतलब ये है कि वो एक्टिव सिटीजन्स होते हैं, एक्टिव एजेंट्स होते हैं। मतलब जैसे कि आपको, अगर आपने देखा होगा इंडिया में भी लोग क्या करते हैं, अक्सर चाय की दुकान पे या फिर कहीं भी आपने क्लासरूम में या फिर
ऑफिसेज में पॉलिटिकल डिस्कशंस में इन्वॉल्व होते हैं कि हाँ इस तरीके की गवर्नमेंट है, ऐसा है, वैसा है, ठीक है. बट आपने देखा होगा कि बहुत कम लोग जो होते हैं, बहुत कम सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है एक्चुअली टेक इट एज एक्टिव पार्टिसिपेंट. ठीक है, मैंने आपको ये डिफरेंस बताया था इन टर्म्स ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, जब मैंने आपको समझाया था पेरोकियल पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है, सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है एंड पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है. ठीक है, तो मैं अभी आपको यहाँ पर उतना डिटेल में नहीं बताऊंगी, इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप जो है एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है तो जरूर उस सब्जेक्ट को पढ़िए, तब तो जाके आपको इस सब्जेक्ट के बारे में और क्लैरिटी आएगी. तो अब बात करते हैं कि एक्टिव पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है, मैं आपको उतना समझा देती हूँ. उसका कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर लोग ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी निकाली तो ये नहीं सोचते कि भाई हमारे पे ये पॉलिसी आ गई है अब हमें इसके साथ जीना पड़ेगा, ऐसा नहीं सोचते. दे डू फॉर्म एसोसिएशन, दे डू प्रोटेस्ट, दे डू गो अगेंस्ट गवर्नमेंट और वो चाहते हैं कि पॉलिसी चेंज हो जाए. ठीक है, तो लोग जो है गवर्नमेंट की पब्लिक पॉलिसी को सुनने की क्षमता रखते हैं और उसको क्रिटिसाइज करने की क्षमता करते हैं. उनके पास ये नहीं होता कि ये गवर्नमेंट हमारे रिलीजन के लिए अच्छी है, ये गवर्नमेंट तुम्हारे रिलीजन के लिए अच्छी है, वो ये चीज़ें नहीं देखते. वो ये देखते हैं कि कोई पॉलिसी अगर गवर्नमेंट की अच्छी नहीं है तो उसको वो चैलेंज करते हैं और उसके बारे में क्रिटिकल हो जाते हैं. इसमें जो सोसाइटीज़ में एडमिनिस्ट्रेशन मोर और लेस जो है ट्रांसपेरेंट होता है, अकाउंटेबल होता है. देखिए, एक तरीके का बहुत इंपॉर्टेंट कोट जो है आपको देखने को मिलता है कि कौटिल्य बताते हैं कि जैसे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है किसी जगह का, जो ब्यूरोक्रेसी जिसे हम कहते हैं ना कि इतने सारे सिविल सर्विसेज जो है, सिविल सर्वेंट्स जो है, IAS, IFS, IPS ऑफिसर्स, दे आर गेटिंग करप्ट. ठीक है, करोड़ों की वो जो है क्या कहते हैं करप्शन कर रहे हैं, बट हम ऐसा क्यों है कि करप्शन रोक नहीं पा रहे. तो एक बहुत पॉपुलर चीज़ जो है कौटिल्य बताते हैं कि आपको देखने को मिलता है कि जो मछली होती है जिस तरीके से पानी में, ठीक है, जिस तरीके से मछली होती है पानी में और मछली पानी में ट्रेवल करती है, आपको आप ये नहीं देख सकते ना कि वो पानी पी रही है या नहीं पी रही. ठीक है, तो वैसे ही जो है ये इम्पॉसिबल हो जाता है कि एक ऑफिसर जो है वो एक जगह पर रह के करप्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये आइडेंटिफाई करना जो है बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है, ऐसा कहने का मतलब है कौटिल्य का. इससे मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ, इससे ये मैं समझाना चाहती हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रांसपेरेंट बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है. ठीक है, लेकिन ये सोसाइटीज़ में एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसपेरेंट होता है, अकाउंटेबल होता है. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी भी उतनी एडवांस है. जैसे कि अगर हम आज के टाइम पे ई गवर्नेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, डिजिटल गवर्नेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी लास्ट चैप्टर मतलब नेक्स्ट चैप्टर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे, तो जितना ज़्यादा जो हम इन चीज़ों का अडॉप्ट करेंगे तो हम भी हमारा जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसको ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं. ठीक है, तो ये सारी गवर्नमेंट जो है इसी तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इस ब्यूरोक्रेसी को क्या करती है, ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश करती है. वहाँ के जो लोग हैं वो नहीं देखते कि हमारे चाचा विधायक हैं तो हमारे जो है क्या कहते हैं हमारा सारा काम हो जाएगा, इस तरीके का सिस्टम वहाँ एग्जिस्ट नहीं करता. वहाँ पर ये सिस्टम एग्जिस्ट करता है कि नॉर्मल लोगों के लिए, सिटीजन्स के लिए काम होगा, और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. क्योंकि जहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ का अच्छा रहेगा, वहाँ की एंटायरली जो सिटी है, जो कंट्री है, वो अल्टीमेटली जो है प्रोग्रेस करेगी. क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है बैकबोन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन होता है एक कंट्री का. एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मैक्स वेबर के बेसिस पे बेस्ड होता है, ऐसा बताने की वो कोशिश करते हैं. मैक्स वेबर के आइडल टाइप ब्यूरोक्रेसी तो मैं आपको समझा ही चुकी हूँ, आपने नहीं देखा तो जाकर आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं. तो मैक्स वेबर का सिस्टम यहाँ पर चलता है, लॉ जो है रूल ऑफ लॉ होता है, मतलब देर इज नो पॉइंट कि आपने कुछ अच्छा काम किया तो आपको फेवरेटिज्म मिलेगा. फेवरेटिज्म जो होता है ना कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है बायसनेस है, टीचर्स जो है कहते हैं करप्ट हो रहे हैं, प्रोफेसर जो है करप्ट हो रहे हैं, बायसनेस आपको देखने को मिल रही है. यहाँ पर आप इंडिया में आप देखेंगे कि बहुत सारी गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर इस तरीके की चीज़ें होती है कि किसी का कोई रिश्तेदार स्टडी कर रहा है, किसी का फेवरेटिज्म है, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि करप्शन बहुत है. करप्शन हर इंसान कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कोई भी इंसान कहीं पर भी अपनी जॉब में करप्शन कर सकता है. जैसे कि प्रोफेसर्स, टीचर्स फेवरेटिज्म दिखा के बायस होके स्टूडेंट्स की तरफ जो है वो करप्शन कर सकते हैं. करप्शन जो है गवर्नमेंट स्कूल्स में हो सकता है जहाँ पर प्रोफेसर्स या टीचर्स अपनी जो है क्लासेस रेगुलरली नहीं लेते. ठीक है, और ये सब चीज़ें जो है करप्शन एग्जिस्ट करती है, लेकिन यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर वो सब चीज़ें मैटर नहीं करती. रूल ऑफ लॉ इज़ व्हाट दैट मैटर्स. वहाँ पर जो है इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता कास्ट के बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे. आए दिन अगर आप देखें इंडिया में न्यूज़ उठाकर देखते हैं, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि कितना ज़्यादा जो है कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे एक्सप्लॉयटेशन और जो है डिस्क्रिमिनेशन
और आपको देखने को मिलता है कि आप देख सकते हैं कि एक तरीके से पूरी तरीके से फेवरेटिज्म जो है देखने को आपको मिलता है। हर तरीके से कोई भी पब्लिक फील्ड हो उसमें आपको एक तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही है। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि इंडिया अभी एक डेवलपिंग सोसाइटी है और डेवलपिंग सोसाइटी में ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। अभी हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। अगर हम रिक्स की बात माने तो रिक्स ये कहते हैं कि सारी सोसाइटीज एग्रेरिया से इंडस्ट्रिया जो है ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। देखिए इसके क्रिटिसिज्म बाद में हम पढ़ेंगे, क्रिटिसिज्म बहुत मिलते हैं रिक्स को, डेफिनेटली मिलेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एग्रेरिया से अगर इंडस्ट्रिया ट्रांसफॉर्म होना इतना आसान होता तो हर सोसाइटी अभी तक ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हुई। मतलब इंडिया को आज 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इंडिपेंडेंस मिले, लेकिन क्यों अभी तक हम एग्रेरिया से जो है इंडस्ट्रिया पर नहीं पहुँचे। ठीक है, हो सकता है कि कुछ गवर्नमेंट्स ऐसी आए जो इसकी प्रोसेस को रिवर्स ही कर दें। मतलब अब जो है क्या कहते हैं, क्योंकि हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, लेकिन कुछ गवर्नमेंट्स ऐसी होती है जो आपको वापस ट्रेडिशनल एस्क्रिप्टिव वैल्यूज़ और रिलीजन और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स जो है खेलने के लिए मजबूर करती है, और ये वापस आपको जो है ट्रेडिशनल सिस्टम यानी एग्रेरिया सिस्टम की तरफ ले जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि रिक्स को इस पर क्रिटिसाइज़ किया गया है, क्योंकि रिक्स कहते हैं, वैसे क्रिटिसिज्म अलग से पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ मुझे जो क्रिटिसिज्म आपको याद आ रहा है मैं बता देती हूँ कि एग्रेरिया से हर सोसाइटी इंडस्ट्रिया में ट्रांसफॉर्म हो ऐसा नहीं है पॉसिबल, ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ तक समझ में आपको आ चुका होगा। फ्यूज सोसाइटी जो है क्या होती है, मैं आपको बता चुकी हूँ। अंडर डेवलप सोसाइटीज होती है जहाँ पर सोशल इकोनॉमिक फंक्शंस जो है प्रॉपरली कह सकते हैं कि फ्यूज मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ, ठीक है, कुछ भी चीज़ फ्यूज हो जाती है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर्स और फंक्शन जो है जुड़े हुए हैं, कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है, इसलिए इसको फ्यूज सोसाइटी के रूप में जो है वो बताते हैं। और मैं डायग्राम तो आपको बता के दिखाई चुकी हूँ लास्ट वीडियो में। यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ उसके कॉन्ट्रेरी में अगर हम देखें तो डिफ्रैक्टेड होती है। डिफ्रैक्टेड मतलब वहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर आपको देखने को मिलता है। ये शॉर्ट टेबल है, ठीक है, आप और वैल्यूज इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बनाना। बाद में जाकर रिक्स जो है एक और मॉडल डेवलप करते हैं जिसका नाम वो रखते हैं ट्रांजिशिया। ट्रांजिशिया मतलब जो ट्रेडिशनल सोसाइटी से अगर सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो रही है इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, तो इसके बीच में एक ट्रांजिशन फेज आएगा। और अभी देखिए इंडिया करीबन 75 सालों से या फिर आप 100 साल भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स भी इंडिया में थे तो हमने देखा कि थोड़े बहुत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और इस सबसे जो है हम ऑलरेडी ट्रांजिशन में आ चुके थे। तो करीबन समझ लीजिए 100 सालों से हम ट्रांजिशन में ही हैं, ठीक है, अभी तक हम ट्रांजिस्ट ही कर रहे हैं। तो वो बताते हैं कि ये सोसाइटीज़ जो होती है एग्रेरिया में भी नहीं होती। जैसे कि अगर हम कम्प्लीटली अपने आप को एग्रेरिया में देखने की कोशिश करें तो हम नहीं आएंगे, एग्रेरिया की कैटेगरी में हम फिट नहीं है, ना ही हम इंडस्ट्रिया की कैटेगरी में फिट हैं। हम किसकी कैटेगरी में आएंगे, हम आएंगे इन टर्म्स ऑफ ट्रांजिशिया, या फिर आप उसको प्रिज्मेटिक सोसाइटी कह सकते हैं। ये इंटरमीडियरी होती है। अब इंटरमीडियरी है मतलब इसके अंदर दोनों भी तरीके के जो है स्ट्रक्चर्स होने वाले हैं, दोनों भी सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स होने वाले हैं। और ये सोसाइटी मुझे लगता है ये आपको पढ़ने में सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसको आप कंप्लीटली रिलेट कर पाएंगे अगर आप कोई भी साउथ एशियन कंट्री में रह रहे हैं तो। अब बात करते हैं कि इन टर्म्स ऑफ, अगर हम देखें कि प्रिस्मैटिक सोसाइटी जो है, प्रिस्मैटिक सोसाइटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो प्रिस्मैटिक सोसाइटीज़ ऐसी पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ होती है जो पर्टिकुलरली 1940s और 1950s में आज़ाद हुई, और इसमें बहुत सारी जो वेस्टर्न पावर्स थी इस पर ऑलरेडी रूल कर चुकी है, जिसकी वजह से इनका सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल सारा सिस्टम जो है इसका चेंज हो चुका है। आज के टाइम पे यहाँ पर मॉडर्न ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम एग्जिस्ट करता है। देखिए आपने ये चीज़ तो देखी होगी कि इंडिया में ऐसा कहा जाता है अक्सर कि जो सिविल सर्विसेज होती है, सिविल सर्विसेज के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, तकरीबन इस साल का स्टेटिस्टिक्स अगर मैं आपको बताऊं तो 11 लाख में से तकरीबन 750 बच्चे जो है सिलेक्ट होते हैं। आप देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कितना जो है लो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जो है सिलेक्ट होते हैं और सिविल सर्विस एग्जाम को क्लियर करते हैं। मतलब यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी को सिलेक्ट करने का सिस्टम तो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है, मॉडर्न ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें तो हमारे जो नेता होते हैं, ऐसा अक्सर कहा जाता है कि नेता बनने के लिए आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो नेता बनने के लिए आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आप एजुकेशनली बिल्कुल अनक्वालिफाइड हो, आप अंगूठा छाप हो, आप नेता बन सकते हो, लेकिन अगर आपको ब्यूरोक्रेसी में जाना है तो आपको जो है पढ़कर जो है ये एग्ज़ाम को क्लियर करना है। तो इस सोसाइटीज़ में क्या होता है, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इस सोसाइटीज़ में मॉडर्न ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम रहेगा, लेकिन जो जो हमारी लेजिस्लेचर रहेगा, लेजिस्लेचर क्या रहेगा, फिर भी जो है बैकवर्ड ही रहने वाला है। और ये कंट्रीज ऐसी कंट्रीज है कि ये कंट्रीज मोस्टली कॉलोनियल कंट्रीज हैं। कॉलोनियल कंट्रीज़ में आपको बता चुकी हूँ, कंट्रीज़ कभी ना कभी अपने टाइम में जो है कॉलोनियल कंट्रीज़ के अंदर रह चुकी है, कॉलोनियल पावर्स के अंदर रह चुकी हैं, और इस वजह से यहाँ पर मॉडर्न ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम तो है,
लेकिन इसके बावजूद आपको देखने को मिलता है कि ये अभी भी सोसाइटी जो है पूरी तरीके से ट्रांजिस्ट नहीं हो पाई है। ट्रांजिस्ट नहीं हो पाई है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बैरियर्स आपको देखने को मिलते हैं। बैरियर्स देखने को मिलते हैं, किस तरीके के बैरियर्स देखने को मिलते हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आज आप इंडिया घूमते हो तो इंडिया में आपको बड़े बड़े शहर भी दिखेंगे, ठीक है, बड़े बड़े शहर दिखेंगे, दिल्ली, मुंबई और आप देख सकते हैं चेन्नई, कोलकाता, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ दिखेगी जहाँ पर हर तरीके का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, हर तरीके का वहाँ पर आप देख सकते हैं कि चीज़ें अवेलेबल है, सुख सुविधा, फैसिलिटीज सब कुछ अवेलेबल है। बट अगर आप ऑन द अदर हैंड ऑफ इंडिया जाते हैं तो एक इंडिया ऐसा भी है जो गांव है, जो विलेजेस एक्सिस करते हैं, जहाँ पर अभी भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ना, पानी, पानी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाटर, वाटर भी वहाँ पर अवेलेबल नहीं होता, टैप वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, एजुकेशन तो छोड़ ही दीजिए, स्कूल वगैरह तो छोड़ ही दीजिए, वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो आज भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि इन सोसाइटीज़ में बिग सिटीज़ भी एग्जिस्ट करती है और साथ साथ रूरल सिटीज़ भी एग्जिस्ट करती है। और रूरल सिटीज़ के अंदर रूरल जो है क्या कहते हैं, आप देख सकते हैं कि रूरल सोशल पॉलिटिकल कल्चर वहाँ का आपको देखने को मिलता है, अलग होता है एज़ कम्पेयर टू सिटीज़। और इनका जो बिहेवियर होता है, अगर आप अक्सर आपने नोटिस किया होगा, अगर आप अपने अपने गांव से अगर आप बिलोंग करते हैं, अगर आप गांव जाते हैं वहां पर जाकर आपने नोटिस किया होगा कि लोगों का बिहेवियर वहां पर बहुत डिफरेंट होता है, हर फील्ड में, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, ट्रेडिशनल, हर फील्ड में वहाँ पर जो बिहेवियर है लोगों का डिफरेंट होता है फ्रॉम दैट ऑफ द सिटी लाइफ, ठीक है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, पहली बात तो ये कि वो अपने आप को किस तरीके से देखते हैं, अपने आप को देखते हैं इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट या फिर पेरोकियल पॉलिटिकल कल्चर देखते हैं, मतलब वो ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट जो कर रही है उन्हें जो है सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, उन्हें जो है क्या कहते हैं उस चीज़ को सहना है, वो कुछ चेंज नहीं ला सकते। लेकिन अगर आप सिटीज़ में आएंगे तो आप क्या देखते हैं कि लोग पॉलिटिकली बहुत एक्टिव हैं, गवर्नमेंट की चीज़ों को चैलेंज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो लोग अवेयर है कि उनके राइट्स क्या है। देखिए, आपको जब तक आप अपने राइट्स के बारे में अवेयर नहीं रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आपके पास राइट टू इन्फॉर्मेशन है, आप गवर्नमेंट से मांग सकते हैं कि आपने किस में कितना पैसा खर्च किया, कौन सी स्कीम में, ठीक है, आप मांग सकते हैं कि किसने आपने जो है एक पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च की थी उसके कितने लोगों को फ़ायदा पहुँचा। जब तक आप अपने राइट्स के अवेयर नहीं रहेंगे, जब तक आप अपने राइट्स के बारे में लड़ेंगे नहीं, जब तक जो है आप क्या कहते हैं एक तरीके से देखा जा सकता है एक्टिव पॉलिटिकल कल्चर में नहीं आएंगे, ठीक है, आप जब तक क्या रहेंगे, सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ऑल इन ओवर पिक्चर ये है कि कुछ लोग तो बहुत एक्टिव है पॉलिटिक्स में और कुछ लोग बिल्कुल यू नो बैकवर्ड है। और ये सिर्फ पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर सब की बात हो रही है। मतलब कुछ लोग अभी भी बहुत ज़्यादा सोशली बैकवर्ड है, जिनकी सोच बहुत छोटी है, कास्ट सोसाइटी में फॉलो करते हैं, कास्ट, और जितनी भी देख सकते हैं आप, जितनी भी आप देख सकते हैं इंडिया में जितनी भी सोशल इविल प्रैक्टिसेस होती थी, आज भी आप गाँव में जाएंगे आपको डोरी सिस्टम और उसके बाद आपको देखने को मिलता है सती प्रथा, कास्ट सिस्टम, ठीक है, विडो रिमैरिज पे बैन लगा देना, ये सारी चीज़ें आपको आज भी जो है गांव में देखने को मिलती है, जो ये लोग जो है सोशली इवॉल्व नहीं कर पाए, सोशली अभी भी ये बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, कल्चरली ये लोग बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हैं और पॉलिटिकली भी बैकवर्ड है। तो ये जो सोसाइटीज़ हैं, ये सोसाइटीज़ के साथ साथ जो हमारी मॉडर्न सोसाइटीज़ है जिसमें लोग पॉलिटिकली एक्टिव हैं, सोशली एक्टिव हैं, और ये जो इरेशनल चीज़ें होती हैं जिसमें जो बहुत टाइम से इंडिया में चली आ रही थी, ठीक है, बिफोर ब्रिटिशर्स ऑल्सो, तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए जो है सोशली एक्टिव जो सिटीजन्स आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी देखने को मिलेगी कि बहुत गैप है, बहुत गैप है, मतलब अगर आप रूरल पर्सन को उठा लें और एक अर्बन पर्सन को उठा लें तो रूरल और अर्बन डिवाइड आपको देखने को मिलता है, पुअर और रिच डिवाइड देखने को मिलता है। इतने भी रिच पर्सन हैं यहाँ पर कंट्री में हमारे, मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत बार मैं आपको स्टैटिस्टिक्स देते जाती हूँ कि हमारी कंट्री के तकरीबन 90% वेल्थ सिर्फ 10% लोगों के हाथ में है। और ऐसे भी लोग हैं हमारी कंट्री में 10% जिनके, जो लोग स्टारवेशन, हंगर, माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहे हैं, और हर साल लाखों लोग जो है ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ हेल्दी कंडीशंस जो है उनको हज़ारों देखा जाता है, आपको हज़ारों लोगों की मौत जो है आपको देखने को मिलती है। लेकिन इतने अमीर लोग भी एग्जिस्ट करेंगे और इतने गरीब लोग भी एग्जिस्ट करेंगे कि वो लोग अपने हेल्थ के लिए खर्च नहीं कर पा रहे हैं, वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च नहीं कर पा रहे हैं, फूड तक वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके का रूरल अर्बन डिवाइड, पुअर रिच डिवाइड आपको देखने को मिलेगा। और ये भी देखने को मिलेगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस जो है डोमिनेंट कास्ट या डोमिनेंट क्लास के फेवर में होगी। तो अक्सर चीज़ें देखने को मिलती हैं कि जो जो गरीब लोग हैं अगर वो जा रहे हैं कलेक्टर के पास, SDM के पास अपना काम करवाने के लिए, तो वो लोग क्या, उनको क्या कहा जा रहा है कि आप जो है अपना काम करना है, ठीक है, इतने से पैसे दे दो,
वो कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है, तो बोले ठीक है काम नहीं होगा। और ऑन द अदर हैंड ये जो है डोमिनेंट कास्ट डोमिनेंट क्लास के फेवर में जो है एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ का जो है सिस्टम काम कर रहा है। तो रिक्स जो है बताते हैं कि मतलब इसमें दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड चल रही हैं। मतलब इसमें आपको मॉडर्न सिस्टम भी दिखेंगे, मतलब आज हमारे पास इंडिया में बहुत अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज भी है, हाईटेक इंडस्ट्रीज है, मॉडर्न पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स है, पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, ब्यूरोक्रेसी है, एग्जीक्यूटिव है, सब कुछ है। लेकिन इसके साथ साथ आपको देखने को मिल रहा है कि कुछ लोग जो है अभी भी जो है बहुत ज़्यादा रूडिमेंट्री प्रैक्टिसेस में, और कह सकते हैं आप बोल सकते हैं कि बहुत सारे कह सकते हैं ना कि ऐसी रिचुअल्स में, ऐसे इरेशनल बिलीव्स में अटके हुए हैं, जिसमें जो है आप देखेंगे कि गांव में ऐसी बहुत सारी प्रथाएं होती है जिसमें विमेन के साथ जो है क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा जो है उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। इस तरीके की चीज़ें जो है अभी भी आज भी एग्जिस्ट कर रही है इन सोसाइटीज़ में। तो ये जो सोसाइटीज़ है बेसिकली इसमें आपको ट्रेडिशनल सोसाइटी की वैल्यूज़ भी दिखेगी और आपको इसमें मॉडर्न सोसाइटीज़ की वैल्यू भी दिखने वाली है। और आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक और चीज़ अगर हम देखें कि ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है रादर देन मॉडर्न सोशल वैल्यूज़। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आप जाएंगे और किसी को समझाने की कोशिश करेंगे कि नहीं आप ये जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं इविल प्रैक्टिसेस से बंद कर दीजिए, तो आपकी बात को नहीं सुना जाएगा, कहेंगे कि ये चीज़ तो हमारी प्रथा में चलती आ रही है, हमारे पूर्वज लोग करते थे। ये सारी चीज़ें जो है ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, मॉडर्न वैल्यूज़ को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाएगा। तो ये रिक्स जो है यही बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का सोशल इकोनॉमिक सिस्टम है, और इसलिए यहाँ पर सारे सिस्टम को स्टडी करने के बाद वो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स इन प्रिज्मेटिक सोसाइटीज़ के बताते हैं। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी मैंने आपको बताया, आपको आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा होमोजेनस हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। हेट्रोजेनिटी मतलब जब दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलता है, देर इज अ कॉम्बिनेशन, ठीक है, जहाँ पर जो है आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं, तो वैसे ही इस सोसाइटी में हेट्रोजेनिटी आपको देखने को मिलेगी। मतलब डिफरेंट तरीके के सोसाइटी का एग्जिस्टेंस देखने को मिलेगा। सिंपल सी भाषा में बताऊँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो इनिशियल इनिशियल स्टेज है और जो लेटर स्टेज है, मतलब जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है और एग्रीटर सोसाइटी का फ्यूजन है ये, और कुछ नहीं, ठीक है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी और एग्रीटर सोसाइटी का क्या है, फ्यूजन है। इसलिए आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, हेट्रोजेनिटी देखने को मिलेगी। टॉकिंग अबाउट फॉर्मलिज्म, तो फॉर्मलिज्म की बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो सोसाइटी में आप देखेंगे कि जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है और जो चीज़ प्रैक्टिस हो रही है उसमें बहुत गैप है। डिस्क्रिपेंसी भरी हुई है, इनकॉन्ग्रुएंसी भरी हुई है। मतलब जो चीज़ डिस्क्रिप्टिव है और परस्पेक्टिव है दोनों में बहुत डिफरेंस है। जैसे कि लिखा क्या है कि इक्वालिटी रहेगी, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप जाकर देखेंगे तो इंडिया में आपको कई जगह पर रिलीजियस और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन फेस करना होगा। तो इसलिए जो है जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है और जो चीज़ एक्चुअल प्रैक्टिस में हो रही है इसमें बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंस है, और इसी वजह से जो है करप्शन जो है यही करप्शन की जड़ है। तो फॉर्मलिज्म एंड हेट्रोजेनिटी ये दो करेक्टरिस्टिक्स हो गए, और इसी वजह से मैंने आपको बताया करप्शन बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। थर्ड जो है हमारा करेक्टरिस्टिक्स ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर। ओवरलैपिंग मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर्स इट मीन्स दैट कि आपको देखने को मिलता है कि मैंने आपको भी बताया, ये मैंने आपको डायग्राम बना के दिखा रही हूँ, एग्रीरिया सोसाइटी और साथ साथ इंडस्ट्री सोसाइटी दोनों के फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ तो डोमिनेट होगा, अगर दोनों के बीच में क्लैश होता है तो एक चीज़ तो डोमिनेट होने वाली है ना, तो एक चीज़ क्या डोमिनेट होने वाली है, इसमें ट्रेडिशनल सिस्टम डोमिनेट होने वाला है। मतलब आप कितना भी मॉडर्न स्ट्रक्चर्स की बात कर ले, लेकिन कुछ लोग जो है ट्रेडिशनल सिस्टम को कंटिन्यू रखेंगे, और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर है, और ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर की वजह से आपको देखने को मिलता है कि ये चीज ऐसी है कि इस वजह से आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर बहुत सारी करप्शन का जो है मेन चीज जड़ है यहाँ पर। और मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी तो है, मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी भी है, लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे अगर आप गांव में जाते हैं वहाँ सरपंच वगैरह जो है ये लोग फिर भी जो है डोमिनेट करते हैं, फिर भी डोमिनेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ दैट कि यहाँ पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन टेक प्लेस होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आप देख बोल सकते हैं कि जो मैस्कुलाइन पावर है, मैन पावर है, उसको यूज करके जो है वोट्स जीते जाते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर आपको एग्जिस्ट करती हुई देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं कि अगर ओवरलैपिंग एग्जिस्ट करती है तो ओवरलैपिंग के साथ बहुत सारे फिनोमिनास एग्जिस्ट करते हैं। उसमें आता है नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, पॉलीकम्युनलिज्म, पॉलीनॉमेटिविज्म, एग्जिस्टेंस ऑफ क्लैक्ट
एंड पॉलीनॉमेटिविज्म, एक और बार रिपीट हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। नेपोटिज्म आपको बहुत अच्छे से पता होगा, आई डोंट नो आप बॉलीवुड में आते हैं, नाम तो हमेशा सुना होगा नेपोटिज्म। नेपोटिज्म तो मुझे लगता है आपको समझाना नहीं पड़ा होगा, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। नेपोटिज्म मतलब एक तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर किसी के फादर किसी भी चीज़ के किसी फील्ड के अंदर है, तो वहाँ पर उस ऊपर उसके जो बेटा है उसको उस फील्ड में जाने के लिए आसानी हो जाती है, ठीक है, इसे हम नेपोटिज्म कहते हैं। तो ये नेपोटिज्म आपको कुछ फील्ड्स में देखने को मिलेगा। फेवरेटिज्म मतलब कहीं ना कहीं आपको, मैंने अभी बताया कि हर जगह पे यहाँ पर फेवरेटिज्म आपको देखने को मिलेगा। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है वो अपनी फैमिली की तरफ बायस रहेगा, कोई प्रोफेसर्स है वो अपने बच्चों की तरफ बायस रहेगा, कोई टीचर्स है तो वो कहीं ना कहीं अपने फेवरेट कह सकते हैं आपकी, एक तरीके से आप देख सकते हैं फेवरेटिज्म आपको देखने को मिलेगा, बायसनेस देखने को मिलेगी, डिस्क्रिपेंसी देखने को मिलेगी। चीज़ें जो है वो बिल्कुल आपको जो है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट नहीं मिलने वाली है, ऑन द बेसिस ऑफ ये मिलने वाली है कि आपका सोशल कैपिटल कैसा है, ठीक है। पॉलीकम्युनलिज्म यहाँ पर एग्जिस्ट करने वाला है, मतलब कम्युनलिज्म नहीं पॉलीकम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म तो आपको पता है कि जब एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के बीच में जो है दुश्मनी पैदा हो जाती है, हॉस्टल इंटरेक्शन होता है, रायट्स होते हैं, ये आपको पता है। पॉलीकम्युनलिज्म मतलब जैसे कि यहाँ पर इंडिया में हिंदू मुस्लिम से लड़ रहा है, हिंदू सिख से लड़ रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे ब्राह्मण क्षत्रिय में लड़ाई हो रही है, शूद्र ब्राह्मण में लड़ाई हो रही है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि क्रिश्चियन मुस्लिम लड़ाई हो रही है। कहने का मतलब यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट पॉलिटिकल डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में, उसके बाद आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर जो है कम्युनिटी एक पर्टिकुलर कास्ट दूसरे कास्ट से लड़ रहा है, तो यहाँ पर एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से जो है लड़ेगी, चाहे रिलीजन के बेसिस पे, चाहे कास्ट के बेसिस पे, चाहे क्लास के बेसिस पे। पॉलीनॉमेटिविज्म होने वाला है, मल्टीपल लेवल पे नॉर्मेटिज्म होने वाला है। नॉर्मेटिविज्म जो है आपको देखने को मिलता है कि जब इरेशनल सोसाइटी होती है, इरेशनल सोसाइटी होती है तो वहाँ पर अलग अलग लोगों के अलग अलग बिलीफ हैं। जैसे कि कुछ लोग जो है आपको देखने को मिल रहा है कि आपको देखने को मिल रहा है कुछ लोग गांव में आप जाते हैं तो वहाँ पर लोगों की जो आस्था है, जो बिलीव है, ठीक है, जो फेथ है वो बहुत अलग है, ठीक है। आप शहर में आते हैं तो उनके बिलीफ अलग हैं, तो ये जो है एक तरीके से डिफरेंट डिफरेंट नॉर्म्स लोग फॉलो करते हैं और ये आपको देखने को वहाँ पर मिलता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्लेक्ट्स होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय क्लेक्ट्स? क्लेक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है, मैं आपको बताती हूँ। क्लेक्ट्स ऐसे इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं जो कम्युनल आइडेंटिटी पे बेस्ड होते हैं। क्लेक्ट्स मतलब ऐसे ग्रुप्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट ग्रुप मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया है और वहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है डोमिनेट करने लग गई। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, ग्रीन रिवॉल्यूशन जब हुआ, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ तो आपको देखने को मिलता है पंजाब एंड हरियाणा में आपको देखने को मिलता है कि जाट का डोमिनेशन आपको देखने को मिलता है। साथ साथ ग्रीन रिवॉल्यूशन के साथ साथ एक कम्युनिटी जो है डोमिनेट करने लग गई। तो कहने का मतलब ये है कि इंटरेस्ट ग्रुप बन सकते हैं, किसी भी कम्युनल आइडेंटिटी पे बन सकते हैं, चाहे वो कास्ट के बेसिस पे बने, चाहे क्लास के बेसिस पे बने, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे बने। ये जो क्लेक्ट्स होते हैं ये इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं और ये गवर्नमेंट का सपोर्ट लेकर जो है लोगों को डोमिनेट करते हैं। आज भी आप देख सकते हैं बहुत सारे क्लेक्ट्स ग्रुप इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं जो इसका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसके बावजूद ये जो क्लेक्ट्स ग्रुप है ये स्पेशल प्रिविलेज जो है एंजॉय करते हैं इंडिया में। टॉकिंग अबाउट पॉलीनॉमेटिविज्म, मैंने अभी आपको समझाई दिया पॉलीनॉमेटिविज्म मतलब हर इंसान जो है अपने तरीके से, आप देख सकते हैं कि अपनी खुद की वैल्यूज उसकी अलग होती है, खुद का आप देख सकते हैं कि हर इंसान की यहाँ पर वैल्यूज अलग होती है, वैल्यू सिस्टम अलग होता है, बिलीफ सिस्टम अलग होता है। जैसे कि हिंदू सोसाइटी है, अब हिंदू सोसाइटी के अंदर भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी है कि हर इंसान जो है एक ही रिलीजन फॉलो कर रहा है, एक ही तरीके से रिलीजन फॉलो कर रहा है। आप साउथ इंडिया में जाए तो रिलीजन फॉलो करने का तरीका अलग है, नॉर्थ इंडिया में अलग है, वेस्ट इंडिया में अलग है, ईस्ट इंडिया में अलग है, ठीक है। तो लोगों का सोशल स्टेटस डिसाइड करेगा कि किस तरीके के नॉर्म्स वो फॉलो करने वाले हैं। और इस सोसाइटी का जो बाजार इस सोसाइटी का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है, इसका नाम रिक्स ने जो है बाजार कैंटीन मॉडल रखा। बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है बाजार कैंटीन। बाजार कैंटीन जो मॉडल है इसका सिर्फ नाम रखा गया है बाजार कैंटीन। अब आपको लग रहा होगा ये बाजार कैंटीन नाम कैसे रख दिया, तो कहने का मतलब ये है कि जो रिक्स है, रिक्स डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई करते हैं सोसाइटीज़ को। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब फ्यू सोसाइटी होती है तो फ्यू सोसाइटी को वो अलग तरीके से नाम देते हैं उसके इकोनॉमिक सिस्टम को, वैसे ही जब इंडस्ट्रियल सोसाइटी होती है उसको अलग तरीके से कैटेगराइज करते हैं, और प्रिस्मेटिक सोसाइटी के जो इकोनॉमिक मॉडल होता है उसको अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। तो प्रिस्मेटिक सोसाइटी का नाम उन्होंने जो है इकोनॉमिक सिस्टम का क्या दे दिया, बाजार कैंटीन दे दिया। अब बाजार कैंटीन क्या होती है,
बाजार कैंटीन दो वर्ड से मिलकर बनी है, एक बाजार और एक कैंटीन। तो बाजार आपको पता होता है क्या होता है, जो हमारा मार्केट प्लेस होता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस भी है, ऐसा नहीं है कि कुछ इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, कुछ भी नाम रख दिया, इसका एक इंपॉर्टेंस है। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि बाजार एक कमर्शियल सेंटर होता है, एक कमर्शियल सेंटर होता है जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस होती है। और बाजार कैंटीन क्या होता है, बाजार कैंटीन यानी वो होता है जहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि बाजार, एंड इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है वो भी इसमें इंटरवीन करने वाली है, और इस वजह से यहाँ पर इनजस्टिस, ब्लैक मार्केट, एक्सप्लॉटेशन, इन्फ्लेशन, होर्डिंग, अडल्ट्रेशन, ये सब चीज़ें आपको देखने वाली है। टेंशन मत लीजिए, मैं आपको आगे वाले वीडियो में सब समझा दूंगी। ये वीडियो वैसे ही बड़ा हो चुका है, तो मैं आपसे जो है अब ये वीडियो जो है मैं ख़त्म करती हूँ और आपसे इजाज़त लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और एक नया जो है नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसी के अंदर हम साला मॉडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये साला मॉडल क्या है इसके बारे में भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम का नाम है प्रिस्मेटिक सोसाइटी का, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब तकरीबन जो है आधा घंटे से भी ऊपर हो चुका है ये वीडियो, बहुत ज़्यादा जो है डिटेल में जा चुकी हूँ मैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसके बारे में और पढ़ेंगे, और जो है इसके बाद जो है होपफुली हम ये चैप्टर को जो है फिनिश करेंगे। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।